राधे राधे, मैं लीला मिश्रा आपके आगे आई हूँ नया एक किस्सा लेके, अपनी दूसरी या तीसरी क्लास का। एक दिन मेरा क्या था, स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे पापा ने मेरे को उठाया तो मैं कहीं भाई के पास लेट गई, कहीं बहन के पास लेट गई। दोबारा उठ के मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर जाके धीरे से मम्मी को बोला मैं नहीं जाऊँगी, तो मम्मी ने पापा से बोला अच्छा आज रहने दो, इसका मन नहीं है। मैं उस दिन छुट्टी कर ली। और फिर सुबह मम्मी से मेरे छोले खाने का मन था, तो मैंने मम्मी से बोला मुझे पैसे दो मैं छोले लूँगी। तो मैंने 2 रुपए के छोले लेके आई। अब उस समय 2 रुपए के छोले आप अंदाज़ा लगा लो कि आज के 10 या 20 रुपए के छोले जितने आते हैं, उस समय 2 रुपए के छोले उतने आ जाते थे। तो मेरा छोले लेके खाने जब बैठी तो क्या इस माइंड आया कि इसके क्यों ना मैं 10 रुपए बना लूँ। उस समय बच्चा तो होते ही हैं खुरापाती थोड़े दिमाग के, मेरे मन में ये आया छोला देख के कि मैं क्यों ना इसके 10 या 20 रुपए बनाऊँ। तो मैंने उसमें क्या किया, एक छोटी सी प्याज काट दी, एक टमाटर काट दिया और थोड़ा मिर्च मसाला उसके हिसाब से और कर दिया जितना मेरे दिमाग आया, और अपने स्कूल का टिफिन धो के और उसके अंदर रख लिया। फिर क्या किया, उसे एक छोटा सा स्कूल था हमारे वहाँ पे सुल्तानपुरी में छोटे बच्चों का, अपने स्कूल के आगे तो मैं भूल से भी नहीं भटकूंगी, जिस दिन छुट्टी कर लेती थी नहीं भटकती थी। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई, तो कुछ देर वहाँ बैठी और जो मेरे साथ के थोड़े दोस्त थे उनसे बोला बच्चे बुला लाओ छोले बिक जाएंगे अपन के ये। तो वो देख रहे, एक आध बुला के लाए, कह रहे हम नहीं लेंगे, कौन लेता है बच्चा टिफिन में लेके बैठा है। तो ले वहाँ बैठी, फिर किसी और जगह पे बैठी थोड़ी देर कहीं, और ऐसे ही खाना पीना भी नहीं खाया शाम तक मैं उस छोले बेचने के चक्कर में लगी रही ये बिकेंगे। अब शाम हो गई, शाम को जब आ गई घर पे तो मेरे मामा की लड़की आई घर पे, तो वो कह रही क्या ले रखा है इसमें, वो भी मेरे से छोटी थी। तो कह रही क्या ले रखा है, मैंने कहा छोले हैं मैं बेच रही हूँ, खरीदेगी? तो कह रही हाँ दे दे। मैंने कहा कितने के? कह रही 54 के दे दे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कागज लिया, कागज पे उसको 54 के छोले दे दिए और फिर वो चली गई, खा लिया और चली गई। मैंने कहा अच्छे हैं? कह रही हाँ अच्छे हैं। कह रही पैसे तो नहीं है मेरे पास, शाम को दूंगी। मैंने कहा ठीक है चल शाम को दे दियो। फिर वो आई लगभग 7 बजे करीब, तो 7 बजे जब आई है तो मैंने कहा पैसे मेरे? तो कह रही कौन से पैसे, कैसे पैसे, तो छोले तो वैसे ही खाएं भाई। मेरा अब गुस्सा आ गई मेरे को, अब मैं उसको मारने लग गई और वो चिल्लाने लग गई बुआ बुआ। मेरी मम्मी बुआ लगती थी उनकी, तो उनको आवाज़ देने लग गई, कह रही बुआ। फिर मम्मी आई, मम्मी कह रही क्या हुआ क्यों मार रही है उसे, जब देखो जब लड़ाई करती रहती है। मैंने कहा कि ये छोले मेरे इसने मेरे से खरीदे और मेरे को पैसे नहीं। मम्मी बोली तू कौन से छोले बेचने लग गई? मैंने कहा मैंने 2 रुपए के सुबह लिए नहीं थे? मम्मी कह रही हाँ सड़ा के ऊपर रख रखे हैं तूने छोले वो। तो मैंने कहा मैंने इसे बेचे थे, इसने मेरी 54 नहीं दी। मम्मी कह रही सारे सत्यानाश कर दिया, पैसा लिया और छोले भी खराब हुए, ना खाया ना पिया, उसको 54 के लिए मार रही है। मेरी मम्मी बोली मैं दे दूंगी 54, चुप हट यहाँ से। फिर मम्मी ने मेरे को वहाँ से भगा दिया। मम्मी कह रही मैं दे दूंगी 54, उसे मत मार चल ऊपर। फिर मैं उदास हो गई, मेरी 54 नहीं मिली, आखिर मेरी मम्मी को ही देनी पड़ी, 2 रुपए भी मम्मी से ही लिए थे और 54 मेरे को। उसके ऊपर खुंदक आई कि किस दिन इसको मारूंगी जरूर मैं, पकड़ गया अपने मन में यही गुस्सा आ रही मेरे को उसे देख के। खुश रहिए, राधे राधे।